हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हॉनेस्ट रिव्यू बाय समीर। आज हम आए हैं एशियन सर्कस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपनी स्टॉल लग चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने यहाँ पे स्टॉल लगा दिया है गीज़र का, इंस्टेंट वाटर गीज़र का, और थोड़ा सा सर्कस भी देख लिए। वही सर्कस है जिसका मैंने आपको दो दिन पहले वीडियो बनाया था। अब आते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके कमेंट में कि ये गीज़र काम कैसे करता है, इंस्टॉलेशन कैसी है, और इसको यूज़ कैसे किया जाता है, कितना बिजली लेता है। उस हिसाब से मैं आपको इस पूरे वीडियो में, जो भी आपका ये जो वीडियो है, इसमें सारे ही क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। वो ऐसे मिलेगा कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंस्टॉलेशन कैसे रहती है, कितना बिजली लेता है, कैसे ये यूज़ किया जाता है, सारे ही जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, इसको इंस्टॉल कर लिया मैंने। इंस्टॉल करने के बाद में दो स्क्रू पे इंस्टॉल हो गया, ये दीवार मान के चलिएगा, ये इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद में ये आपका नल है, बाथरूम का नल मान लो या किचन का, ये पाइप हम इसके साथ ही देते हैं, जो भी गीज़र आएगा ना इसके साथ ही आएगा। उसके बाद में क्या रहेगा, इस पाइप को हमने इससे कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में इस प्लग को इसमें डाल देना है। अब इतना तो इंस्टॉलेशन समझ गए कि बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है, दो स्क्रू पर होल्ड हो गया है। अभी क्या करना है, आपको इससे कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये रहती है कि आपको पानी चालू करना है। जैसे ये पानी आने लगे इसके अंदर से, पानी जब आने लगता है, जैसा कि ये पानी आने लगा, उसके बाद में आपको गीज़र का बटन ऑन कर देना है। गीज़र का बटन यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे आप गीज़र का बटन ऑन करेंगे, ये दोनों लाइट जल जाएगा, हीटिंग और पावर, मतलब ये हीट भी होने लगा, पावर भी आ रहा है इसके अंदर में। अभी क्या करना है आपको, सिर्फ जैसे ये गर्म पानी आपका, जैसे विद इन 6 सेकंड के अंदर गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाता है, विद इन 6 सेकंड के अंदर। उसके बाद कंटिन्यू आप कितना भी पानी इसके अंदर से ले सकते हो। इसकी ख़ास बात ये रहती है कि इसमें लिमिटेशन नहीं है कोई भी। आप अगर चाहें इसको 2 घंटे चलाइए कंटिन्यू, चाहे 4 घंटे चलाइए, चाहे 10 घंटे चलाइए, जितना आपको पानी चाहिए ये कंटिन्यू देता रहेगा। अच्छी बात यह है कि कट ऑफ सिस्टम भी इसके अंदर है। जैसे कि मान के चलिए कि बहुत से कस्टमर ये कहते हैं कि कट ऑफ होता है कि नहीं होता है, तो कट ऑफ सिस्टम ऐसे है, मान के चलिए अभी तक आप पानी ले रहे थे, उसके बाद में आपने नल तो बंद कर दिया, उसके बाद में ये बंद करना आप भूल जाते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, थर्मोस्टेट इसके अंदर दिया हुआ है जो कि 65 टेम्परेचर पर कट ऑफ कर जाता है। तो इसमें कट ऑफ सिस्टम भी दिया हुआ है, और जब कट ऑफ करेगा तो ये जो दो लाइट देख रहे हो आप, दो इंडिकेटर देख रहे हो, इसमें से जो हीटिंग वाला लाइट है ये बंद हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये कट ऑफ पर चला गया है गीज़र। अभी क्या करना है, इसमें ये कट ऑफ का भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ इसमें खास बात ये रहती है कि ये जो आप गीज़र देख रहे हो, इस गीज़र में खास बात ये कि पूरा प्लास्टिक का है, करंट आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक का है। दूसरा, खारा पानी जो होता है ना, बहुत से यूज़र्स का ये कहना होता है कि भाई खारे पानी में चलेगा या नहीं चलेगा, तो अच्छी बात ये है कि इसमें स्टोरेज नहीं है, इसलिए खारा पानी जमता नहीं है, और एलिमेंट की जो लाइफ होती है ना वो बहुत ही अच्छी रहती है इसकी, एलिमेंट की लाइफ। अब इसमें क्या रहता है कि ये जो आप टेम्परेचर देखो, कस्टमर कहता है कि कितने टेम्परेचर तक आप पानी ले सकते हो, टेम्परेचर का हिसाब ये रहता है कि जितना आप नल को कम खोलोगे उतना तेज़ गर्म पानी आएगा। अभी देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा गर्म पानी आ रहा है क्योंकि मैंने नल को कम खोला हुआ है। अभी आप जितना इसको फास्ट कर दोगे उतना ही ये नॉर्मल होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने किचन में लगाया है, किचन में डायरेक्टली आपको बर्तन धोने हैं, तो आप क्या करेंगे कि इसको हल्का सा तेज़ खोल के रखोगे ताकि कि ठंडा पानी गर्म पानी ना मिलाना पड़े, ऑलरेडी मिक्स होकर पानी आएगा इसके अंदर में। रहता है 2 साल की इसकी रिप्लेसमेंट गारंटी रहती है। ऑनलाइन अगर आप जाएंगे, अमेज़ॉन पर अभी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और ऊपर भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अच्छी बात यह कि इसकी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। अब बात आती है बिजली कंजप्शन की, कि बिजली कंजप्शन कितना लेता है। 65 लीटर पानी देने के बाद में एक यूनिट कंज्यूम करता है ये, 65 लीटर पे। टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर में हम आप नहाते हैं, ना तो ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा आपको, ना ही गर्म पानी मिलाना पड़ेगा आपको, ऑलरेडी मिक्स होकर पानी आएगा। 65 लीटर पर एक यूनिट कंज्यूम करेगा। अब बात आती है कि कितनी देर में एक यूनिट कंज्यूम करता है, तो मैं बता देता हूँ आपको, जब आप इसको 35 से 40 मिनट तक कंटिन्यू चलाओगे जब जाके आपको ये एक यूनिट कंज्यूम करेगा। तो कहने का मतलब ये, स्टोरेज गीज़र से और ये इंस्टेंट गीज़र में अगर आप फ़र्क करेंगे ना, तो ये हर चीज़ में आपको बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिसिटी भी कम आता है। दूसरी चीज़, ये रेट में भी बहुत आपको सस्ता रहता है, लाइफ अगर पूछोगे 4 से 5 साल आराम से चलता है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नंबर जो आप देख रहे हैं ना, 7895457503, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से, जिससे कि आपको अगर होलसेल में भी चाहिए हो या रिटेल में भी चाहिए हो, जिस तरह से आपको गीज़र चाहिए हो मेरे पास अवेलेबल रहेगा। और ये देखिए, इंस्टेंट गीज़र यासा हमारा ब्रांड का नाम है। थैंक यू सो मच, एंड दोबारा से बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।